इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देखिए जैसे हमारे फ़ोन में मान के चलिए रिकवरी मोड लग गया, तो रिकवरी मोड को किस तरीके से हम हटा सकते हैं। देखिए फ़ोन को मैं बंद करता हूँ एंड यहाँ पर जो है अपने क्या इसको इन दोनों को बटन को दबाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको दबा देता हूँ दोनों को। यहाँ पर हमारा फ़ोन जो है वो, और अब मैं पावर बटन को छोड़ता हूँ तो रिकवरी मोड हमारा लग जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रिकवरी मोड लग गया, इंग्लिश सिलेक्ट कर ली। अब हम यहाँ पर हमें इसे अगर देखिए यहाँ पर हमें इसको इंस्टॉल, इसे हमें जो है मेन्यू में लाना, मतलब कि हमें दोबारा से स्टार्ट करना है। और यहाँ पर लोग जो है फंस जाते हैं और क्लिक करने लग जाते हैं और पासवर्ड वगैरह भी आता है, या फिर किसी ने पासवर्ड भी डालते हैं तो वो भी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या होता है, देखिए यहाँ पर सिंपली आपको रिटर्न इस तरीके से लाना है, और जब यहाँ पर आप रिबूट के ऑप्शन पर आ जाएं या ऑफ के ऑप्शन पर आ जाएं, वाइप डेटा या कुछ भी मत करिएगा, कभी पासवर्ड डालकर आप वाइप डेटा कर दें तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ऐसे कुछ भी नहीं करना है, बैक लाना है एंड यहाँ से रिबूट कर देना है। रिबूट करेंगे तो आपका फ़ोन यहाँ से दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओप्पो का फ़ोन है हमारा यहाँ पर, जब ये ओप्पो स्टार्ट हो जाएगा तो ये रन हो जाएगा। तो इतना सा प्रोसेस रहता है बस इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।